रुमाई के लड़के ने हसुकराय की लड़की के साथ रामप्रे सांप्रे जैसा नीच काम किया है। मैं अपनी जिंदगी खुम के साथ बिताना चाहता हूँ। आदि खुम को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है, तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन दैट। तुम्हारे और खुम के बीच सब कुछ अलग है। हाँ, ये सच है कि मुझ में और खुम में एक साथ कुछ भी नहीं है सिवाय प्यार के। पता है दीदी, कल आफा ने आपका रिश्ता तय कर दिया। लड़का खुद आया था आपसे मिलने, बड़ा हैंडसम दिखता है। अरे आफूटी, तू आ गई? चल 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 बस। हाँ कैसी तू? अच्छी हूँ अम्मा। आजा इधर आजा। रिसा ने तो तुमको बता दिया होगा ना कल के रिश्ते के बारे में? अरे बेटा, लड़का एकदम राजकुमार जैसा है। भाई मुझे तो अच्छा लगा, बस अपने अंशु की शादी देख लो, यही इच्छा बची है आखिरी मेरी। बाबा गोरिया इसे पूरी कर दो। दादी अभी मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है, अभी मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। तो कर लेना अपने पति के घर में, अगर वो चाहेगा तो पढ़ाई करते रहना। दादी अभी मुझे शादी नहीं करनी है बस। सच तो यह है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, पसंद ही नहीं बल्कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। मैं जिंदगी में तुम्हारा हाथ थामना चाहता हूँ। हाँ ये सच है कि मैं भी तुम्हें चाहती हूँ। तुम्हें पता है खुम, तुमने ये कहकर मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया। तुम्हारी इस निकाह पर मैं अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर सकता हूँ। देखो इसमें कोई शक नहीं कि खुमतिया एक बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं कि वो इस घर की बहू बन सकती है। आदि तुम्हारे और खुम के बीच सब कुछ अलग है,
कुछ समय के बाद ये क्षेत्र समाज या कल्चर का डिफरेंस कहीं तुम दोनों के रिश्तों के बीच में ना आ जाए, डर लगता है बेटा। सारा कसूर मेरा है जो मैंने तुम्हें पढ़ने लिखने की छूट दी थी। हाँ, दसवीं पास जब ब्याहकर इस घर में आई थी ना, तभी तुम्हारे पर काट देने चाहिए थे, तो आज ये दिन देखने की नौबत नहीं आती। कहाँ है? मैंने पूछा कहाँ? सुरजीत, बुलाओ जरा साहबजादे को। तो प्यार करते हैं आप, किसका अंजाम भी जानते हैं। शादी करने का डिसीजन करके आए हैं ना आप, तो जाइए बाजार, थोड़ा शंखिया भी ले आइए, दे दीजिए पूरे परिवार को, ताकि तुम्हारी मनमानी करते हुए हम देखने के लिए जिंदा ना रहे। पापा प्लीज संभालिए अपने आप को। अरे कैसे संभालूं सुरजीत, अपने आप को कैसे संभालूं? मैं शुरू से ही इस लड़के के यूनिवर्सिटी जाने के खिलाफ था, पर तुम्हारी मासा कहती कि नहीं, बच्चे को मन का कर लेने दो, बच्चे को मन का कर लेने दो। लो, कर रहा है अपने मन की, देख लो। एक ऐसी लड़की जो ना हमारे गांव की है ना हमारे जात की है, ऊपर से जनजाति, हमारे रहन सहन, हमारे खान पान, हमारे पहनावे का उनसे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, और उससे शादी करने का डिसीजन लेकर आए हैं साहबजादे। समझाओ इस नादान को, समझाओ इसे, जिस घर में रहकर वो ऐश कर रहा है ना, उस घर की एक एक ईंट मैंने अपनी मेहनत मशक्कत से जोड़ी है, अब उन लोगों से रिश्ता करके मैं अपने परिवार को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। सोचा था पढ़ लिख के आएगा तो बिजनेस में हमारा हाथ बटाएगा, लेकिन ये और इसकी मां से इसकी बर्बादी की कहानी घट रहे। सुरजीत, अभी लड़का अगरतला में नहीं रहेगा, काजी की फ्लाइट से इसको दिल्ली भेजो और कहीं एडमिशन कराओ इसको। दिल्ली में एडमिशन ना मिले तो विदेश भेजो, पर अभी अगरतला में नहीं रहेगा। कोई अंग्रेजन से भी ब्याह कर लेगा ना तो मंजूर है मारे को, पर ये लड़की नहीं। आदित्य कहीं नहीं जाएगा, आदित्य कहीं नहीं जाएगा, यही रहेगा मेरे साथ अगरतला में, और मैं आदित्य के फैसले के साथ हूं। मैं उस लड़की से मिल चुकी हूं बहुत बार, वो बहुत अच्छी लड़की है, इस घर के बहू बनने के लायक है। सुनैना भी उससे मिल चुकी है कई बार, उसे भी वो पसंद है। मतलब बिंदड़ी, तुम भी ये सब? हाँ पापा, मिली हूँ मैं उससे, अच्छी लड़की है। मतलब तुम भी उस लड़की की वकालत कर रही हो ना? अरे बावली, तू अपनी बहन का घर बसता हुआ नहीं देखना चाहती? तारे बापू सा को जबान दी है मैंने, कल ही फोन आया था, अरे कहीं जवाब दूंगा मैं वाको,
पापा, आदि मेरा देवर ही नहीं, मेरे छोटे भाई जैसा है। मैं उसकी खुशी के बारे में सोच रही हूँ। जहाँ तक मेरी बहन का सवाल है, उसका रिश्ता तो कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। पापा, प्लीज एक बार आप ठंडे दिमाग से सोचिए। आपको क्या लगता है कि आदित्य और अंजलि की शादी हो गई तो वो दोनों जिंदगी भर खुश रह पाएंगे? बेहतर यही होगा कि हम आदित्य की खुशी के बारे में सोचें। अंजलि का भविष्य भी उसी में अच्छा होगा। प्लीज। ज़बान दे। पापा, आप भी तो आदित्य की खुशी ही चाहते हैं ना? अरे, ये आपूति को क्या हो गया है जो ब्याह के लिए मना कर रही है, वो भी एक नाइथोक लड़के से। तुम्हारी जगह होती ना, आज मैं उसे शादी कर लेती। और वो कहती है अभी उम्र नहीं है, शादी करना नहीं चाहती। अरे, इसकी उम्र में तो तू आ गया था, और वो कहती है शादी नहीं करूंगी, उम्र नहीं है। आपूति, हमें ये रिश्ता मानकर कल ही फूस भी दे चुके हैं, और अब तुम मना कर रहे हो। दोबारा सोच लो, अगर ये रिश्ता मना करेंगे तो समाज में बदनामी होंगे, और दोबारा रिश्ते जोड़ने में भी आनाकानी होंगे। खून, अब आफा ने वादा कर लिया है तो एक बार लड़का देख लो। अभी हम सिर्फ रिश्ता पक्का करेंगे, शादी तुम्हारे पराई की बात ही होगी। लड़के वालों से ये बात हमने भी कह दी है, वो लोग भी इसके लिए तैयार है। शादी के लिए कोई दबाव नहीं डालेंगे तुम पर, तुम्हारा भविष्य हमारे लिए बहुत ऊपर होगा। होम, आप ना एक बार लड़का देख लो, क्या पता तुम्हारा मन बदल जाए। क्या सोचा है आपने? किस बारे में? आदित्य के रिश्ते के बारे में। तुम क्या चाहती हो? मैं चाहती हूं कि आप आदि का रिश्ता लेकर खुमतिया के आ जाए। थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो, बड़े खूंखार लोग हैं वो। अगर हम वहां गए, खुदा न खास्ता कोई अनहोनी हो गई तो? ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ आपका भ्रम है। मैं इतने सालों से यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हूं, इन बच्चों के साथ लगातार इंटरेक्ट करती हूं। उनके माँ बाप अक्सर आते रहते हैं मुझसे मिलने के लिए। ये भी हमारी तरह आम इंसान है, कोई अलग नहीं है। क्या होता है ना कि हम अक्सर कोई एक धारणा बना लेते हैं दूसरे के बारे में, और उसी धारणा के साथ जिंदगी जीते रहते हैं, तब तक जब तक हमें उन्हें जानने का मौका नहीं मिलता है। और तब लगता है कि अरे, बात तो बिल्कुल उलट है। मंगत, आप भी तो 30-40 सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। इनफैक्ट आपके सारे वर्कर यहीं के हैं, आपको कभी कोई परेशानी हुई इनसे?
आपका पूरा बिजनेस उनके बलबूते पे चल रहा है। मैं खुमतिया को जानती हूँ, उसके माँ बाप को जानती हूँ, उनसे मिल चुकी हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं। कोई परेशानी नहीं होगी आपको। और क्या होगा, बहुत ज्यादा मना कर देंगे? हो गया थारा लेक्चर। थोड़ा किताबी दुनिया से बाहर आओ प्रोफेसर साहिबा। ये थारी क्लास का लेक्चर कोणी जमीनी दुनिया को नंगो सच है या सच्चाई? मैं समझती हूँ, इसीलिए आपको कह रही हूँ। आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज आदि का रिश्ता लेकर आप उनके यहाँ जाएं। वरना वरना मुझे जाना पड़ेगा। चलो ठीक है, मुझे थोड़ा समय दो। थैंक यू। डोंट वर, मैं हूं तुम्हारे साथ। अंजलि जी। पापा कहीं बात है बेटा, इतनी उदास क्यों है? पापा मैं जयपुर जाना चाहती हूँ। कहीं होया अटे, कुछ कहा तो नहीं किसी ने थारे से? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है पापा, बस यूं ही जयपुर जाने का मन है। सुना ना, संदी जी का फोन तो नहीं आया था? नहीं पापा, मेरी तो कोई बात नहीं। थारी कोई बात हुई उनसे? नहीं, पर पता नहीं क्यों पापा, बाबू की याद आ रही है मुझे। अरे छोरी, मैं भी तो तारा बापू ही हूँ ना। तो मैं कहता हूँ, जो ये बापू के प्यार में अगर कोई कमी रह गई तो तुम्हारे को बोल सकती है, तो मारी भी तो छोरी है ना। जी बापू। देख, मैं तारे हर सुख दुख में थारे साथ हूँ, तो फिक्र न करना कोई। और नेक्स्ट वीक से एग्जाम शुरू हो रहे हैं, उस पे फोकस करो, उस पे ध्यान लगाओ। ओके, ख्याल रख बेटा अपना। बाय पापा। बाय बाय। ये आंखों में पानी क्यों आ जा रहा है? लगता है डॉक्टर से मिलना ही पड़ेगा मुझे।
दीदी क्या हुआ? अगर सब लोग चाहते हैं कि मैं पिता होने के नाते उस लड़की के गांव जाऊं, एक बार शादी के बंधन में बन गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे ये शादी नहीं करनी है, आप किसी भी तरह इस रिश्ते को खत्म कर दीजिए। बच्चों ने पसंद कर ही लिया है और आपकी रजामंदी हो तो इनके भविष्य को देखते हुए इनकी शादी कर सकते हैं। हम गार्डन उड़ाने में एक मिनट भी नहीं लगते हम लोगों को। हम भाई आप खुद जाएंगे या मैं रास्ता दिखाऊं आपको? जादू।